हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ब्यूटी वाइब्स। मैं हूं पल्लवी शर्मा और आपका स्वागत है मेरे चैनल ब्यूटी वाइब्स पे। सो गाइज, मैं अपने चैनल पे डेली हेल्थ रिलेटेड और ब्यूटी रिलेटेड टिप्स शेयर करती रहती हूं। तो आप भी चाहते हैं ऐसी टिप्स लेना तो प्लीज़ मेरे चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, साथ में जो बेल आइकन है उसे भी कर दीजिए प्रेस, ताकि मुझे वीडियोज़ बनाने की और मोटिवेशन मिले। एंड ज़रूर वीडियो को लाइक किया कीजिए एंड कमेंट किया कीजिए, जिससे मुझे और ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है कि मैं बहुत सारी वीडियो बनाऊँ एंड मैं डेली कोई ना कोई वीडियो आपके लिए अपलोड करती रहती हूँ। सो गाइस, जिस टॉपिक पे हम आज बात करने वाले हैं वो टॉपिक है हमारा बिगिनर्स के लिए। बिगिनर्स के लिए आज हम आई मेकअप क्रिएट करने वाले हैं, जिनको थोड़ा सा भी आई मेकअप नहीं आता है एंड उनको बिल्कुल पता नहीं है कि हाउ टू अप्लाई आई शेडो एंड हाउ टू अप्लाई कंसीलर, हाउ टू सेट ऑल द मेकअप। सो उन लोगों के लिए ही आज मैं ये वीडियो लेकर आई हूँ। फाइनल लुक तो मुझे भी पता नहीं है कैसा आने वाला है, बट ट्रस्ट मी गाइस, बहुत ही अच्छा मेकअप हम क्रिएट करेंगे। एंड तो चलिए गाइस, करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले आपने फेस पे जो भी अप्लाई किया है, आप जो भी अप्लाई करते हैं, फाउंडेशन, क्रीम, कुछ भी अप्लाई कर लीजिए। मैंने फिलहाल कुछ भी अप्लाई नहीं किया है, सनस्क्रीन अप्लाई की है एंड थोड़ी सी लिपस्टिक अप्लाई की है एंड कुछ भी अप्लाई नहीं किया है अभी। तो मैं पहले कर रही हूँ आईज़ का मेकअप क्रिएट। सबसे पहले आईज़ का मेकअप क्रिएट करने के लिए गाइस आपको क्या करना है, आपको ले लेना है कंसीलर। यहाँ मैं ले रही हूँ कंसीलर, आप कोई भी कंसीलर ले लीजिए, मेबलिन का कंसीलर ले लीजिए, कोई भी कंसीलर आपके पास अवेलेबल हो आप वो ले लीजिए। अगर आपके पास कंसीलर नहीं है तो उसके अलावा भी मेरे पास ऑप्शन है आपको बताने के लिए, वो मैं आपको आगे बताती हूँ। सो गाइस, सबसे पहले हमने क्या करना है, सबसे पहले हमने अपनी आईज़ को थोड़ा सा कंसील कर लेना है, ताकि जो भी हम मेकअप अप्लाई करें ना वो अच्छे से फिर क्या हो, ब्राइटन अप हो के दिखे। एंड इसके बाद हमने इसको क्या कर लेना है, ब्लेंड कर लेना है। मैंने आपको पहले भी बताया, आप चाहें फिंगर्स की हेल्प से ब्लेंड कर लीजिए, आप चाहें ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से ब्लेंड कीजिए, इट्स अप टू यू। ठीक है, आपने जिस तरीके से ब्लेंड करना है आप कर लीजिए। एंड ब्यूटी ब्लेंडर को क्या करना है गाइस, पहले हमें अच्छे से क्या कर लेना है, वैट कर लेना है, उसके बाद ही हम अच्छे से मेकअप को क्रिएट कर पाएंगे। सो यहाँ मैंने कंसीलर अच्छे से अप्लाई कर लिया है अपनी आईज़ के एरिया पे। अब जो भी मैं मेकअप अप्लाई करूँगी वो इसके ऊपर क्या होगा, बहुत ही ब्राइटन अप दिखेगा, बहुत ही अच्छा दिखेगा। सो गाइस, सबसे पहले हम ले लेंगे कोई भी ब्रश, ले लीजिए आप जिससे आप मेकअप करते हैं अपना, कोई भी आई शेडो पैलेट ले लीजिए। ठीक है, वहाँ से मैं चूज़ करने वाली हूँ ब्लैक एंड ब्राउन शेड। पहले तो आपने ये श्योर करना है कि आपकी जो आई शेडो पैलेट है उसमें से आप ब्लैक एंड ब्राउन शेड को चूज़ करें। तो सबसे पहले मैं ले रही हूँ यहाँ पे ब्राउन शेड, जो कि कोको ब्राउन है, कॉफ़ी ब्राउन कलर है, वो शेड ले रही हूँ यहाँ से, ये वाली शेड। सो इस तरीके से गाइस, मैं यहाँ पे मिरर पे देख के अप्लाई कर रही हूँ। आपने क्या करना है, इस तरीके से आपने अपने आईज़ के ऊपर उसको अप्लाई करना है, सिर्फ एक लाइन क्रिएट करनी है आपने सबसे पहले। ओके, इस तरीके से, ताकि जो आपका आईज़ का एरिया है ना वो थोड़ा बिगर दिखना स्टार्ट हो जाए, कि आपकी आईज़ थोड़ी खुली खुली सी दिखे। तो इस तरीके से हमने क्या करना है, इसको अप्लाई करना है। ओके, पहले फर्स्ट स्टेप आपने कर लिया, उसके बाद सेकंड आईज़ पे भी आपको ये करना है। मैं धीरे धीरे करके बता रही हूँ ताकि आप अच्छे से क्रिएट कर पाएँ, आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। आपने इस साइड भी ऐसे ही करना है बिल्कुल, यानी अपने आउटर कॉर्नर्स को अच्छे से फिल करना है। एंड गाइस, दूसरी साइड भी हमने क्या कर लेना है, इसको अच्छे से अप्लाई कर लेना है, यानी कि आउटर क्रीज पे आपको इसको अप्लाई करना है। ठीक है, जो भी आप आई शेडो ले रहे हैं, मैं यहाँ पे ब्राउन ले रही हूँ, सो मैंने इसको इस तरीके से फिल कर लिया। ओके, ये हो गया हमारा आउटर क्रीज पे हमने कर लिया, ताकि हमारी आई जो है थोड़ी बिगर दिखे। उसके बाद क्या करना है, मैंने ले लेना है ब्लैक शेड, यहाँ से ले रही हूँ मैं ब्लैक ट्रफल शेड ले रही हूँ। एंड उसको मैंने क्या करना है, इसके अंदर अंदर अप्लाई करना स्टार्ट करना है, जहाँ मैंने ब्राउन शेड किया है अप्लाई, उसके अंदर गाइज में इसको करने वाली हूँ अप्लाई। अगर आपको अच्छे से पता नहीं चलता है कि आपकी कट क्रीज कहाँ पे है, आपको कहाँ अप्लाई करना है, तो आप इस तरीके से यहाँ पे टेप लगा सकते हो, उससे आपका जो आई लुक है वो काफ़ी अच्छा दिखेगा। यहाँ टेप लगा लेनी है एंड ऐसे शेप आ जाती है इसकी। तो यहाँ पे मैं ले रही हूँ ब्लैक, एंड ब्लैक को भी मैं स्मज करने वाली हूँ, काफ़ी अच्छे से मैं इसको स्मज कर लूँगी, रेड विद ब्लैक, थोड़ा थोड़ा रेड ले रही हूँ एंड थोड़ा थोड़ा ब्लैक ले रही हूँ। बिल्कुल पार्टी वियर सा मेकअप हम गाइज ही रेडी करने वाले हैं, आप अच्छे से देख लीजिए। तो ये मैंने पूरा आईज़ पे कर लिया है स्मज, जो भी ब्लैक था एंड जो भी रेड था उसको मैंने क्या कर लिया, अच्छे से
मिक्सअप कर लिया अपनी इनर क्रीज में, ये देख सकते हैं आप। ओके गाइस, एंड दूसरी साइड भी हमने एज इट इज़ करना है। पहले ब्लैक ले लेना है, पहले ब्लैक को अप्लाई कर लीजिए इस तरीके से, एंड उसमें हमने थोड़ा सा मैरून मिक्स करके, रेड मिक्स करके उसको पूरे आई पे फैला देना है इस तरीके से, थोड़ा ब्लैक एंड थोड़ा मैरूनिश यानी रेड। ओके, इस तरीके से हमने जो इनर क्रीज है उसको भी क्रिएट कर लिया, दोनों आईज पे कर लिया। ये जो आपको आउटर थोड़ा ख़राब दिख रहा है ना, इसको हम बाद में सेट कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, कंसीलर लगा के सेट हो जाता है। एंड इसको यहाँ पे थोड़ा थोड़ा ब्लैक टिंट दे देंगे। ओके, ये हो गया हमारा। उसके बाद हम स्लोली स्लोली हर एक स्टेप फॉलो करेंगे। जैसे यहाँ पे अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं, मैं थोड़ा सा चाहती हूँ कि मैं थोड़ा गोल्डन का लुक भी दे दूँ इसमें, तो मैं गोल्डन भी ले रही हूँ, एंड गोल्डन मैं यहाँ पे अप्लाई करने वाली हूँ, बिल्कुल इनर कॉर्नर पे अप्लाई करूँगी मैं गोल्डन को। ओके, एंड आई होप आपको दिख रहा हो अच्छे से, एंड यहाँ पे भी मैं गोल्डन अप्लाई करूँगी। ओके, इसके बाद मैं ले रही हूँ कोई भी थिन ब्रश, कोई भी थिन ब्रश ले लीजिए, एंड फिर से आपको क्या करना है, डार्क ब्लैक शेड उठानी है, एंड फिर इनर कॉर्नर को अच्छे से फिल करना है। जो हमने रेड को एंड ब्लैक को मिक्स किया था ना, उसने काफ़ी वायलेट सा कलर क्रिएट किया है, एंड जो काफ़ी अच्छा लग रहा है। अब आपको बिल्कुल ब्लैक लेना है, एंड यहाँ पे थोड़ा सा विंग सा बना लेना है, ठीक है। अगर आपको नहीं आता है तो बाद में आईलाइनर भी लगा लेंगे, उसमें कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। फिर से ब्लैक ले रही हूँ, एंड यहाँ से मैं इसको बिल्कुल आईलाइनर की शेप देते हैं ना, जैसे बिल्कुल नीचे नीचे से, बस वैसे ही करना है ऐसे करके। इसको फिल कर लीजिए, आई होप आपको अच्छे से दिख रहा हो। सो गाइस, अभी से जो मेकअप है वो काफ़ी ज़्यादा फ्लॉलेस लग रहा है आईज़ की वजह से। आप चाहे पूरे फेस पे मेकअप कीजिए चाहे ना कीजिए, बट आईज़ का मेकअप ही काफ़ी अट्रैक्टिव लग रहा है। एंड फिर से दूसरा ब्रश ले रही हूँ, एंड उससे जो गोल्डन शेडो था वो मैं यहाँ लगा रही हूँ फिर से आईज़ पे। आप चाहें तो थोड़ा थोड़ा आउटर पे भी लगा सकते हैं, मैं कभी कभी ऐसे कर लेती हूँ कि मैं थोड़ा थोड़ा आउटर साइड्स पे भी लगा देती हूँ, जहाँ मैंने ब्राउन शेडो लगाई थी वहाँ मैं थोड़ा थोड़ा अप्लाई कर लेती हूँ फॉर शिमर के लिए। वैसे उतनी ज़रूरत नहीं है, ऐसे भी मेकअप जो है काफ़ी अच्छा लगता है गाइज, आप देख सकते हो। सो इसके बाद अगर आप चाहते हैं तो आप थोड़ा सा आईलाइनर अप्लाई कर लीजिए, बट उससे पहले अगर आपको ये मेकअप काफ़ी नहीं लग रहा है, आपको लग रहा है अभी आप और क्रिएट कर सकते हैं, तो आपको क्या करना है, आपने अगर आईज़ को थोड़ा और स्मोकी बनाना है ना, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आपने स्मोकी ज़्यादा बनाना है या नहीं। अगर आपने बनाना है तो आपने नीचे वाली आईलिड पे भी ब्लैक कलर को ही अप्लाई कर लेना है। ओके, सिर्फ यहाँ तक अप्लाई करना है, यानी हाफ तक अप्लाई करना है, ऐसा नहीं है कि पूरे पे अप्लाई कर लेना है, हाफ अप्लाई करना है यहाँ तक। उसके बाद मैं आपको बताती हूँ क्या करना है। हाफ अप्लाई कर लिया, ओके, ये देख सकते हैं आप। उसके बाद थोड़ा सा ब्राउन लेना है, एंड ब्राउन को हमने उसके आउटर लेयर पे ऐसे करना है अप्लाई यहाँ पे, ताकि वो ज़्यादा ब्लैक भी ना लगे एंड अच्छे से क्या हो जाए, मर्ज भी हो जाए। ये देख सकते हैं आप, थोड़ा सा ब्राउन और लिया एंड देन अप्लाई इट। ओके गाइस, सो मुझे तो काफ़ी अच्छा लग रहा है ये लुक, थोड़ा थोड़ा स्मोकी बोल सकते हैं इसको। जैसे गाइस आप फंक्शन में जा रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं, तो आप इस लुक को ज़रूर ट्राई कर सकते हैं। आप इसे एज अ पार्टी वेयर कर सकते हैं, एज अ मैरिज लुक क्रिएट कर सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आपको क्या क्या कलर्स अप्लाई करने हैं, आपने कौन सी ड्रेस पहनी है। बट मैंने ये अकॉर्डिंग टू ब्लैक कलर किया है, क्योंकि ब्लैक ऐसा कलर होता है ना गाइस जो किसी भी ड्रेस के साथ जो है बहुत फ्लॉलेस लगता है। जैसे यहाँ पे विंग्स अभी बना रही हूँ मैं, ठीक है, जिसको विंग पसंद है वो विंग बना लीजिए। एंड इस तरीके से मैंने ये पूरा मेकअप जो है क्रिएट किया है, एंड आई होप आपको अच्छे से दिख रहा हो, थोड़ा लाइट का भी इशू है। एंड इतना हमारा डन हो चुका है मेकअप। उसके बाद आप आईलैशेज़ लगाना चाहें आप आईलैशेज़ लगा सकते हैं। यहाँ पे मैं थोड़ा सा हाइलाइटर लगा रही हूँ आईज़ के पास, जो कि आईज़ को थोड़ा सा बिगर लुक देता है। इसके बाद अगर आपको लग रहा है कि आपको थोड़ी सी रिफाइनिंग की ज़रूरत है, रिफाइनिंग के लिए आपने क्या करना है, आईलाइनर ले लेना है। आप चाहें तो आईलाइनर लगा सकते हैं, आप चाहें नहीं लगाइए। मैं यहाँ पे थोड़ा थोड़ा, बिल्कुल थोड़ा थोड़ा लगा रही हूँ, वैसे मुझे ज़रूरत नहीं है, मैं आपको दिखाने के लिए लगा रही हूँ कि आप चाहें तो आप लगा सकते हो। ओके, तो इस तरीके से आपने आईलाइनर लगा लेना है। आप विंग चाहते हैं विंग बना लीजिए, इस तरीके से मैंने थोड़ा सा विंग भी बना लिया एंड या
सो बहुत ही ज़्यादा फ्लॉलेस मेकअप हुआ है ये गाइज, आप देख सकते हैं खुद ही फेस ऑटोमेटिकली अच्छा दिखना स्टार्ट हो जाता है जब हम आईज़ का मेकअप काफ़ी अच्छा करते हैं। उसके बाद मैं यहाँ पे एक दूसरा पैलेट ले रही हूँ हाइलाइटर का एंड आई शेडो का। सो यहाँ से मैं चूज़ करने वाली हूँ व्हाइट हाइलाइटर ही ले रही हूँ मैं यहाँ से भी। इसको मैं अपने इन वाले कॉर्नर्स पे लगा लूँगी जिससे काफ़ी ज़्यादा शाइन आ जाती है। आप चाहे यहाँ कंसीलर भी लगा सकते हो इस तरीके से एंड या। आपने गाइस कुछ भी नहीं लगाना है फेस पे, आप देख सकते हैं फेस कितना अच्छा लग रहा है। मैंने सिर्फ सनस्क्रीन एंड थोड़ी सी लिपस्टिक लगाई थी। एंड में हम क्या लगा सकते हैं, जैसे इस पैलेट से मैं ये वाला ब्लश उठा रही हूँ, इस ब्लश को अप्लाई कर लीजिए एंड में। अगर आपकी स्किन अच्छी है ना गाइस तो आपको मेकअप करने की ज़रूरत नहीं होती है, कुछ भी मेकअप करने की ज़रूरत नहीं है। आपकी स्किन अगर फ्लॉलेस है, आपकी स्किन में शाइन है, आप अपनी स्किन केयर अच्छे से करते हैं तो आपको कोई मेकअप की ज़रूरत नहीं है। बस आप थोड़ा सा चंक चाहते हैं अपने मेकअप में तो थोड़ा सा आईज़ को ब्यूटीफुल बना लीजिए, थोड़ा सा ब्लश लगा लीजिए एंड लिपस्टिक, तो मेरी फेवरेट है लिपस्टिक को तो मैं कभी स्किप नहीं करती हूँ। सो ये था गाइस फाइनल लुक, आई होप आपको ये लुक मेरा पसंद आया होगा एंड आप ज़रूर इस लुक को ट्राई करेंगे अपने ऊपर भी एंड मुझे ज़रूर बताएंगे कमेंट सेक्शन में कि आपको ये मेकअप लुक कैसा लगा है। एंड अगर आप फुल फेस मेकअप लुक चाहते हैं या फिर अलग अलग ड्रेसेस के साथ अलग अलग कलर का मेकअप चाहते हैं, जैसे रेड टॉप के साथ कौन सा मेकअप होना चाहिए, व्हाइट टॉप के साथ कैसा मेकअप होना चाहिए, कैसी लिपस्टिक होनी चाहिए, न्यूड मेकअप कैसा होना चाहिए, तो आप चाहते हैं ये सारे मेकअप के बारे में जानना या फिर कोई भी टिप्स हो, हेल्थ से रिलेटेड हो, ब्यूटी से रिलेटेड या किसी चीज़ के रिव्यू से रिलेटेड आपको कुछ भी जानना हो तो आप प्लीज़ ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, मैं आपके साथ डेली कुछ ना कुछ शेयर करती रहूँगी। सो गाइज़ ये थी आज की वीडियो एंड गाइज़ लास्ट स्टेप मैं आपको बताना भूल गई कि एंड में आपको क्या करना है। जब आपका मेकअप डन हो जाए तो आपको क्या करना है, थोड़ा सा कॉम्पैक्ट ले लेना है, ओके। कॉम्पैक्ट के बाद आपको थोड़ा सा इस मेकअप को जो है ना सेट कर लेना है, इस तरीके से आपने अच्छे से सेट कर लेना है इसको ताकि ये ख़राब ना हो, ओके। एंड द लास्ट थिंग, मेन इंपॉर्टेंट थिंग, डोंट फॉरगेट टू अप्लाई द मेकअप सेटिंग स्प्रे, ये मस्ट है, इसको हमने ज़रूर अप्लाई कर लेना है। अगर आपने फुल फेस मेकअप किया है तो आप फुल फेस पे अप्लाई कर लीजिए, मैंने सिर्फ आई मेकअप किया है, मैं आईज़ पे अप्लाई कर रही हूँ एंड उसके बाद जो आपका मेकअप है वो लॉन्ग लास्टिंग रहेगा, स्टे करेगा। एंड गाइज नज़दीक से देख लीजिए कि मेकअप कितना ब्यूटीफुल हुआ है, मैं आपको इसका जो इमेज है वो बाहर भी लगा दूंगी थंबनेल के ऊपर ताकि आप क्लियरली देख सकें, बट ऐसे भी आपको काफ़ी क्लियर दिख रहा है गाइज। सो ये थी आज की वीडियो, आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी है। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, साथ में जो बेल आइकन है उसे भी कर दीजिए प्रेस ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूँ आपको फटाफट से नोटिफिकेशन आ जाए। बाय गाइज, हैव अ नाइस डे।